पुलिस कर्मियों पर पशु तस्करों का हमला। जी हां, खाकी वर्दी वालों पर पशु तस्करों ने बीती रात को कर दिया हमला। पैदल ही पशुओं को घाटी की ओर ले जा रहे थे और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया, उन्हें दावा बोल दिया और तो और पुलिस वालों को पत्थर मारे गए। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अरुण शर्मा। बात करें तो पशु तस्करों की, आए दिन पशु तस्कर जो हैं वो तस्करी करने के अलग अलग हथकंडे अपनाते रहते हैं, कभी गाड़ियों में, कभी पैदल, कभी कुछ ना कुछ नया तरीका अपनाते हैं। और बीती रात की बात करें तो जिला उधमपुर के जखैनी चौक, जी हाँ, वहाँ पर बीती रात को लगभग 3 बजे के करीब उधमपुर पुलिस द्वारा एक नाका लगाया जाता है जिसमें पशु तस्कर जो हैं पैदल ही पशुओं को घाटी की ओर ले जा रहे थे और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया, उन्हें दावा बोल दिया और तो और पुलिस वालों को पत्थर मारे गए। और इस मौके पर लगभग 4 से 5 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं, पुलिस वालों को पत्थर मारे गए हैं और 5 पशु तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस दौरान जो झड़प हुई है ये पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई है। अब खुद सोचिए, जिस खाकी वर्दी से एक आम इंसान डरता है लेकिन ये पशु तस्कर जो हैं ये खाकी वर्दी से भी नहीं डरते। आए दिन हम देखते रहते हैं कि कभी अगर टोल प्लाजा की बात करें तो वहाँ पर भी लाठियां बरसाई जाती हैं पुलिस वालों पर पशु तस्करों द्वारा। पुलिस तो अपना कार्य कर रही है लेकिन पुलिस जो पशु तस्कर हैं वो कहीं ना कहीं डरते नजर नहीं आ रहे। ऐसा ही एक वाकया जिला उधमपुर में बीती रात को लगभग 3 बजे पेश आया है और इस दौरान लगभग 40 से 50 पशुओं को पशु तस्करों से छुड़ाया भी गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पशु तस्करों के हौसले देखिए कि खाकी वर्दी पर हमला कर देते हैं। आए दिन हम ये खबरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रात को तस्करी की जाती है पशुओं की और जो पशु तस्कर हैं वो पुलिस वालों के ऊपर ही हमला कर देते हैं। क्या इन लोगों ने कोई नशा किया होता है या फिर इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये पुलिस से भी नहीं डरते। लेकिन एक मामला पुलिस और पशु तस्करों के बीच जो बीती रात को पेश आया काफी शर्मनाक है और इसमें 5 तस्करों को फिलहाल पकड़ा गया है। आगे की जाँच जो है वो पुलिस कर रही है कि आखिरकार ये तस्कर जो हैं ये कौन थे, कहां से इन पशुओं को घाटी की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जो खबर हमने दिखाई कि बीती रात को ये जो खाकी वर्दी पर पुलिस वालों पर ये हमला किया है ये निंदनीय है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।